हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं फाइनली NS 400Z। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस गाड़ी का एक डिटेल वेलकम रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूंगा। गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या क्या आपको कलर मिलता है, और 2024 में बजाज ने जो ये NS 400Z निकाला है क्या ये आपके लिए एक बेस्ट बाइक हो सकता है। तो चलिए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू MS बजाज बैरकपुर, जिन्होंने हमको गाड़ी दिया ताकि मैं इस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको बजाज या KTM का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम का फोन नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 231,000 रुपीज ऑन रोड है कोलकाता का, MS बजाज के हिसाब से बता रहा हूँ। और इस गाड़ी में दोस्तों आपको टोटल चार कलर मिलता है, और रास्ते के एकदम बगल पे मैं शूट कर रहा हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉइज आए तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देना चाहता हूँ आपको। तो इस गाड़ी में चार कलर आपको मिलता है, और गाड़ी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रंट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले इसका चाबी से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। ऐसा दो वेब की आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। ऐसा वेब की आप देख सकते हैं, दो वेब की आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने चाबी निकाल दिया बंद करके, आप देख सकते हैं पार्किंग में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हैज़र्ड आपका जलता रहेगा, जैसे मैं चाबी ऑन करूँगा ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाबी को इंसर्ट कर दिया, जैसे मैं ऑन करूँगा ये बंद हो गया, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सा फीचर्स है। अभी चलिए हैज़र्ड को एक बार और ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको LED में ब्लिंकर आपको मिल जाता है। यहाँ पे NS 400Z लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दो बड़ा सा DRL आपको मिल जाता है। LED में प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल जाता है। चलिए एक बार उसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे मैंने गाड़ी ऑन किया, आप देख सकते हैं गाड़ी ऑन है लेकिन लाइट ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक स्विच है डेडिकेटेड जिससे आप लाइट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लाइट ऑन हो गया। ये इसका लो बीम है, और यहाँ पे इसका हाई बीम है। तो रोशनी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा ये गाड़ी, ठीक है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइजर आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। यहाँ पे सिल्वर एंड रेड कलर का स्टिकर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपका नंबर माउंट, फ्रंट पे आपको 43mm का गोल्डन कलर का USD फोक्स मिल जाता है जो डोमिनर 400 में मिलता है। और यहाँ पे डुअल चैनल ABS दिया गया है, तो उसका स्टिकर है। मडगार्ड आप देख सकते हैं स्प्लिट में है। यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फिनिश दिया गया है। और फ्रंट में जो आपको डिस्क मिलता है 320mm का बड़ा सा ग्रेमिका का कैलिपर। यहाँ पे दोस्तों रेडियल कैलिपर नहीं है, एक्सियल कैलिपर है, तो इसके वजह से ब्रेकिंग उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। फ्रंट में जो टायर है वो आपका MRF की तरफ से 170 सेक्शन का टायर मिल जाता है। ये आपका नॉन रेडियल टायर है, लेकिन पीछे जो टायर है वो आपका रेडियल टायर आपको मिल जाता है, ठीक है। मडगार्ड एक बार यहाँ से आपको दिखा दूँ। मडगार्ड की थिकनेस आप देख सकते हैं, टायर की थिकनेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे स्टिकर दिया गया है अलॉय व्हील में। आप स्टिकर देख सकते हैं रेड एंड व्हाइट कलर का स्टिकर। और ये जो अलॉय व्हील है ये आपका NS 200 का सिमिलर है, लेकिन उससे थोड़ा ब्रॉड है। और यहाँ पे दोस्तों बारिश हो रहा है, आप देख सकते हैं। बारिश में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे टैंक की तरफ आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट को आपको बल्की किया गया है, लेकिन ये वाला टैंक जो NS 200 में है वही सेम टैंक यहाँ पे आपको मिलता है, 12 लीटर का टैंक। ये E20 वाला, ये फुल ब्लैक गाड़ी है इसलिए ब्लैक कलर में आपको टैंक मिलता है। यहाँ पे पल्सर की 3D लोगो आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन, यहाँ पे आपका रेडिएटर आप देख सकते हैं। रेडिएटर की डिज़ाइन काफ़ी बड़ा सा, ये जो डोमिनर 400 वाला रेडिएटर है वही उसको ही यहाँ पे चिपका दिया गया है, ठीक है। और इंजन की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको फ्रेम के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये जो फ्रेम है ये आपका डोमिनर 400 वाला ही फ्रेम है। आप देख सकते हो दोस्तों बारिश गिर रहा है, और यहाँ पे आपको टाइपैड मिल जाता है। यहाँ पे आपको 373cc का DOSC लिक्विड कूल फोर वाल्व वाला इंजन आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको मैक्स पावर मिलता है 40 PS की, और जो मैक्स टॉर्क आपको मिलता है 35 Nm टॉर्क का लिक्विड कूल वाला इंजन है। यहाँ पे इसका कूलेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं, बजाज की लोगो। इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है, 6 गियर आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेली पैन में 400 लिखा हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 168mm, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आप इस गाड़ी से अच्छा खासा ऑफ रोड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, मतलब साइलेंसर मिल जाता है। आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता है गाड़ी का। तो एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे बहुत ही बेसी मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना। और यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है, एडजस्टेबल है, रेड कलर में है। यहाँ पे टायर हैगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा छोटा दिया गया है, अगर इतना होता तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीचड़ कितना लग रहा है, तो टायर हैगर यहाँ पे बहुत छोटा है। बॉक्स टाइप स्विंगम दिया गया है, लेकिन स्विंगम की साइज़ थोड़ा सा बड़ा है,
और यहाँ पे टायर अगर इतने दूर तक आता है, यहाँ पे भी ग्रीमा का कैलिपर और 230mm का डिस्क मिल जाता है पीछे डुअल चैनल ABS के साथ। पीछे जो आपको टायर मिलता है रेडियल टायर मिलता है MRF की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफजी टायर रेफजीएस 140/70 सेक्शन इसका प्रोफाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 140/70 है। 17 इंच का एलॉय व्हील यहाँ पे आपको मिल जाता है। फुटरेस्ट आप देख सकते हैं राइडर पिलियन का फुल्ली एल्युमिनियम में मिल जाता है। यहाँ पे इसका रियर ब्रेक ऑयल मिलता है, ठीक है, और ब्रेक लीवर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे NS400Z का आपको स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी स्टिकर है, और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं ऐसे आ रहा है तो इसको थोड़ा बल्की किया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा बल्की किया गया है, NS200 में थोड़ा सा नैरो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे बल्की किया गया है। सीट आपको NS200 जैसा ही मिलता है, पीछे वाला सीट NS200 से बेहतर है और सामने वाला सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उंगली से दबा रहा हूँ। सीट बहुत कुशनिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको टैंक पैड आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी का सीट हाइट आपको मिलता है 807mm, कार्बो वेट मिलता है आपको 174 kg, मतलब 174 kg। तो पावर और टॉर्क के हिसाब से यहाँ पे कार्बो वेट आपको बहुत ही कम मिलता है, मतलब वेट टू पावर रेशियो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पीछे से आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट NS200 से लिया गया है, लेकिन ये जो लाइट वाला पार्ट है इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे आपको LED ब्लिंकर आपको मिल जाता है, दोनों तरफ आपको टायर अगर मिलता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, ये सिंगल माउंटेड आपको टायर अगर मिलता है, NS में आपको डुअल माउंटेड मिलता है लेकिन ये सिंगल माउंटेड है। और यहाँ पर इस गाड़ी में आपको पीछे बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं, आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। यहाँ पे इस गाड़ी के साथ ही आपको लेग गार्ड फ्री में मिलता है, यहाँ पे लोहे का सारी गार्ड, यहाँ पे आपको ओपन चेन मिलता है, टायर प्रेशर यहाँ पे लिखा गया है, आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर प्रेशर दिया गया है, ठीक है, और इस तरफ से दिखा दूँ NS400Z। और इस गाड़ी में दोस्तों आपको मेन स्टैंड नहीं मिलेगा NS200 में जैसा मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में आपको 6 गियर मिलता है और यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच आपको मिल जाता है। कोई भी क्विक शिफ्टर यहाँ पे दिया नहीं गया है तो उसकी कमी है। यहाँ पे बजाज की लोगो इंजन आप देख सकते हैं, फुली डोमिनर वाला ही है, फुली ब्लैक्ड आउट इंजन। हॉर्न यहाँ पे सिंगल दिया गया है और यहाँ पे थाई ग्रिप आपको मिलता है, और ये वाला आप देख सकते हैं एयरबेंड है, ये मैट ब्लैक में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं NSZ लिखा हुआ है। तो एक बार गाड़ी का हॉर्न का साउंड सुना देता आपको, तो सिंगल हॉर्न है लेकिन उसका बावजूद हॉर्न का साउंड बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले भी मैं आपको बोला था डोमिनर का फ्रेम यूज़ किया गया है, लेकिन डोमिनर में ब्लैक फ्रेम दिया गया था और यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इसको सिल्वर कलर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, साइड स्टैंड आपको मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है, लेकिन स्लीपर क्लच आपको मिलेगा, क्विक शिफ्टर आपको नहीं मिलेगा। पेट्रोल टैंक तो आपको दिखाई दिया था, और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छा है, और बिल्ड क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। प्लास्टिक जो यूज़ हुआ है उसका पार्ट बहुत अच्छा है, और यहाँ पे इसको खोल के दिखा दूँ एक बार। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पाइप वाला हैंडल मिलता है और ये रफ वाला हैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर उतना जल्दी नहीं उतरेगा। और जो दूसरे हैंडल होते हैं वहाँ पर आपको ग्लॉसी कलर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको मैट कलर दिया गया है, रफ फिनिश वाला शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और NS200 में तो आपको क्लिप ऑन मिलता था, लेकिन यहाँ पे पाइप दिया गया है, अगर क्लिप ऑन होता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, बजाज की लोगो मीटर आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा वाला मीटर, हर कुछ इस गाड़ी में मिलता है। और दोस्तों इस गाड़ी में जो आपको लीवर मिलता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं 5-स्टेप एडजस्टेबल लीवर आपको मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लीवर आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको मोड मिल जाता है बहुत सारा, गाड़ी में आपको राइड बाई वायर मिलता है, सेंसर के थ्रू ये काम करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी थ्रॉटल केबल नहीं है, तो ये राइड बाई वायर है। और यहाँ पे आपको हैजर्ड की स्विच यहाँ पे आपको मिलता है, ये इंजन किल यहाँ से ही आप ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ की स्विच, यहाँ पर आप लाइट दो पैर में ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर आप टॉगल कर सकते हैं मीटर पर, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मीटर टॉगल हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं। ये पासिंग वाला स्विच यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे इंडिकेटर, और यहाँ पे मिरर फिरल फिट नहीं है, लेकिन जो मिरर आपको डोमिनर 400 में मिलता है वही वाला मिरर आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और माइलेज की बात करो तो यहाँ पे आपको लगभग, अगर आप बहुत प्यार से चलाते हो तो 25 से 30 तक का माइलेज आपको मिलेगा, अगर आप बहुत रैश चलाते हो तो 22-25 आपको माइलेज मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इस गाड़ी में 3 फ्री सर्विस आपको मिलता है बजाज की तरफ से, और इंजन में दोस्तों यहाँ पे आपको 5 साल की वारंटी आपको मिलेगा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो यहाँ पे इंजन की जो वारंटी आपको मिलेगा 5 साल की और 75,000 किलोमीटर की,
यहाँ पे आपको वारंटी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बजाज की कोई भी गाड़ी खरीदना है तो आप MS बजाज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।